तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपचैट स्पॉटलाइट को यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप जब स्नैपचैट को ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। तो गाइज आप जब यहाँ नीचे देखोगे लास्ट में कॉर्नर पे एक बटन बना होता है दोस्तों, ये राइट साइड में दोस्तों यहाँ पे। तो गाइज ये जो बटन है ये स्पॉटलाइट का बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप सीधे स्पॉटलाइट के फंक्शन में चले जाते हो, यानी कि फीचर में चले जाते हो। तो गाइज मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि स्पॉटलाइट है क्या। तो गाइज ये जो स्पॉटलाइट है ये स्नैपचैट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इस फीचर को, और ये फीचर भी सेम है जैसे कि आपने पहले टिकटॉक देखा था दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे रील्स चलता है, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो चलते हैं दोस्तों, ये सब एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो गाइज यहाँ से आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और यहाँ से सेंड और डिसलाइक भी कर सकते हो। तो गाइज इसके ये जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जाता है। तो गाइज आज मैं आप सबको इसमें अपना जो वीडियो अपलोड कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊँगा। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि स्पॉटलाइट पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसमें अगर आप सबके वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो गाइज इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि स्पॉटलाइट पर जो स्नैपचैट से अर्निंग कैसे करते हैं। तो गाइज आप सब जाके उसका जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइज बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या, इस पे वीडियो अपलोड करने के लिए आपका कैमरा पे सेंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। तो साइड में दोस्तों यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आप इसके गैलरी में पहुंच जाओगे। तो आपने खुद की वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरा रोल में आना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई वीडियो सेव कर लेते हैं तो वो कैमरा रोल में आ जाता है दोस्तों। तो जो यहाँ पे से आपको अपनी जो वीडियो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक सैम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए कि कैसे अपलोड करते हैं, इसमें से मैं एक कोई वीडियो है जो मैं डाउनलोड किया है किसी अदर साइट से, तो उसका जो वीडियो है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको अपलोड करके ही बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सही वीडियो अपलोड करना है स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे ताकि आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से एक वीडियो है मेरे पास, तो गाइज ये वीडियो दोस्तों, तो जैसे आपने वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और नीचे की तरफ आप ये देखोगे यहाँ पे एक एरो दिखा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो जो ये वीडियो है ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐड कुछ आपको अपने वीडियो के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो गाइज आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ आप अपने यहाँ वीडियो में अपने वीडियो से रिलेटेड जो है वो लिख सकते हो। जैसे कि दोस्तों सपोज ये मेरा फर्स्ट स्पॉटलाइट वीडियो है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फर्स्ट स्पॉटलाइट वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। तो गाइज आप भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो कुछ शॉर्ट लाइन होते हैं वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपका फ़नी वीडियो तो फ़नी रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पे नीचे देखो तो एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप सीधा जो एरो यहाँ से डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हो, लेकिन इसको आपने हैशटैग इसमें लगाना है दोस्तों। अगर आप हैशटैग लगाते हो तो आपके वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने हैशटैग कौन से लगाने हैं, तो इसमें जैसे कि हैशटैग होते हैं आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, जैसे स्नैपचैट होते हैं, स्पॉटलाइट होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे हैशटैग होते हैं आप उसे यूज़ करोगे तो आपके वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाएंगे। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे चाहो तो आप अपना नेम भी टैग कर सकते हो, और आप जैसे अगर आपका कोई वीडियो डांसिंग है या फनी है तो आप वहाँ पे ये हैशटैग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपने करना है क्या है, जब आपका हैशटैग लग जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर चाहो तो आप अपने स्टोरी पे भी लगा सकते हो या माय स्टोरी प्राइवेट लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक स्नैप माय स्नैप का भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे ये माय स्टोरी ऊपर वाला, और यहाँ नीचे माय स्टोरी का ऑप्शन है, और स्नैप मैप का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो गाइज अगर मैं आप सबको बोलूँ अगर आप स्पॉटलाइट पे वीडियो अपलोड करते हो तो आप दोस्तों एक स्पॉटलाइट पे करो, साथ में स्नैप मैप पे भी आप क्लिक करके वहाँ वीडियो अपलोड करो। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर लेता हूँ, और आपको दिखाने के लिए आप चाहो तो माई स्टोरी पे भी लगा सकते हो ताकि आपके जो स्टोरी पे भी मैंशन हो जाए वीडियो और एक स्पॉटलाइट पे भी चले जाए। तो दोस्तों स्नैप मैप पे से आपके व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका लोकेशन वहाँ से आप वहाँ पे क्लिक करके। तो दोस्तों मैं बताऊँ अपलोड आप कैसे करना है, तो जैसे आपने यहाँ पे सारे ऑप्शन क्लिक कर लोगे दोस्तों तो यहाँ लास्ट में यहाँ एरो है नीचे पे दोस्तों, इस पर आप क्लिक करते हो तो जो आपका वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाता है आपके स्पॉटलाइट पे। तो दोस्तों यहाँ से जब आप वीडियो स्लाइड नीचे करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक करके नोटिफिकेशन। तो गाइज ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो है ये अपलोड हो रहा है सेंडिंग ऑफ, देखिए दोस्तों ठीक है, तो ये वीडियो जो है हमारा वो स्पॉटलाइट पे अपलोड हो रहा है दोस्तों। तो गाइज अब जो वीडियो अपलोड किया तो इसको आप देखोगे कहाँ से कि अपलोड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आपको सिंपली बैक करना है, और सबसे ऊपर यहाँ पे आपका एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सर्कल घूम रहा है, यानी कि जो हमारा वीडियो वो अपलोड नहीं हुआ, अभी अपलोड हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माय स्टोरी में भी ये वीडियो लग चुका है और यहाँ नीचे मैंने पहले भी दो तीन स्पॉटलाइट वीडियो मैंने अपलोड किया तो दोस्तों उस पर भी व्यूज़ आ गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल स्पॉटलाइट पे बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ इसलिए मेरे उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, लाइक का ऑप्शन आ जाते हैं कि कितने लोग आपके वीडियो को लाइक कर रहे हैं या कितने लोग शेयर कर रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने जैसे पुराना वीडियो था तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे कि काफ़ी सारे इस पे व्यूज़ आ गए, जैसे 126 व्यूज़ आ गए, 3 लाइक आ गए, तो इस अकॉर्डिंग इस पे आपको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो लेकिन आपको अगर ज़्यादा व्यूज़ चाहिए दोस्तों तो उसके लिए अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर भी रिकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो गाइज़ आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।